हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा नथिंग वन फ़ोन है तो नथिंग वन फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में कॉलर आईडी ऑप्शन है तो कॉलर आईडी को इनेबल कैसे कर सकते हैं नथिंग वन फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और कॉलर आईडी को स्पैम कॉल प्रोटेक्शंस को इनेबल करके कैसे आप यूज़ कर पाएंगे। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि कॉलर आईडी को इनेबल कैसे कर सकते हैं नथिंग वन फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और आप इसका यूज़ कैसे कर पाएंगे तो हम बताने वाले हैं। तो जैसे आपके फ़ोन के आइकन्स हैं शो हो रहे हैं तो आपको सिंपली स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही आपके पास इसमें ऑप्शन आएगा सेटिंग्स फ़ोन आइकन्स का। तो फ़ोन आइकन्स पे जाकर आप कॉलर आईडी को इनेबल कर सकते हैं। जैसे फ़ोन आइकन्स हैं कुछ इस तरीके से शो हो रहा है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। आपको थ्री डॉट पर जाना होगा, थ्री डॉट पर जाकर सेटिंग्स को ओपन करना है। तो आपकी ये कॉलिंग सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, जहाँ से कॉलर आईडी स्पैम प्रोटेक्शंस पे आपको क्लिक करना है। सिंपली आप इसको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। जब आप इसको इनेबल करते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके फ़ोन में कोई भी कॉल्स आती है तो आपको पता नहीं है कौन सी कॉल आ रही है, तो इसके ज़रिए आप पता कर सकते हैं कि स्पैम कॉल्स या सस्पेक्टेड कॉल या फ्रॉड कॉल्स का पता कर सकते हैं इसके ज़रिए। वो आपके कॉलिंग्स में शो हो जाएगी जब आप इसको इनेबल करते हैं। एंड फिल्टर स्पैम कॉल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे आप जो भी स्पैम कॉल्स होती हैं वो फ़िल्टर हो जाती हैं और सस्पेक्टेड कॉल्स का पता लगा लेते हैं। तो इस तरीके से स्पैम कॉल्स का यूज़ कर सकते हैं और इसका भी यूज़ कर पाएंगे। एंड कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आप कॉल्स वगैरह को अनाउंस करना चाहते हैं ऑलवेज कर सकते हैं, एंड आप देखते हैं नेवर भी कर सकते हैं और ऑलवेज करते हैं तो आपकी जो कॉलिंग्स है अनाउंस हो जाएगी आपके कॉलिंग्स में और जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से कॉलर आईडी को इनेबल कर सकते हैं अपने नथिंग वन फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी तो।